14 एंड ये लास्ट रह गया 15। गाइज लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज है, लेकिन हाँ मुझे करना ही होगा। गाइज आपको तो पता ही है एक्सरसाइज करने से हम लोग हेल्दी होते हैं, और हेल्दी रहेंगे तो गाइज हमें कोई बीमारी नहीं होगी। वैसे गाइज आप लोग को बता दूँ, सिंचन एंड चॉप कभी एक्सरसाइज करते ही नहीं है, हरदम मैं ही करता हूँ। चॉप कभी तू भी कर लिया कर एक्सरसाइज। प्रियंकन भैया मैं डेली मॉर्निंग में रनिंग करने जाता हूँ, समझ गए। वैसे गाइज आपको बता दूँ, चॉप की रनिंग और कछुए की रनिंग दोनों बराबर है, जाता है बाहर घूम के वापस घर में आके सो जाता है। गाइज लिटरली सिंचन एंड चॉप बहुत ज़्यादा आलसी हैं, लेकिन मुझे देखो गाइज सुबह सुबह उठ के मैंने रनिंग भी करी, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, और हाँ अभी ये लास्ट वर्कआउट रह गया, ये भी कंप्लीट करने के बाद गाइज मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। प्रियंकन भैया आप तो सिर्फ आज एक्सरसाइज कर रहे हो, मैं और सिंचन तो डेली रनिंग करने जाते हैं, समझे। ठीक है गाइज लिटरली ये चॉप ना बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, अभी मुझे ना एक्सरसाइज करने थे 98, 99 और 100। गाइज टोटल मैंने 100 पुशअप्स मार लिए। गाइज मैं जब तक एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, जब तक आप लोग भी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। आज तो मजा ही आ गया, अपनी सारी जमीनें बेच दी और मैंने ये लंबी कार ली है, इतनी ज़्यादा लंबी है कि मेरे गांव में और लॉस एंटोस में इससे ज़्यादा लंबी और स्ट्रॉन्गेस्ट कार होगी नहीं। हाँ अब मैं जा रहा हूँ फ्रैंकलिन एंड सिंचन के पास, उन दोनों को दिखाऊं कि मेरे पास उनसे ज़्यादा महंगी कार है। लो मैं तो पहुँच गया फ्रैंकलिन के घर। अरे ये तो सिंचन है, ए छोटू, ए सिंचन दा छोटू, इधर देख पीछे। अरे कौन आया है यार, मुझे मेरा काम करने दो, फ्रैंकलिन भैया ने बोला है गाड़ी साफ करने को, समझे। छोटू सिंचन पीछे देखो, ड्राइवर भैया आए हैं। ड्राइवर भैया आप, वो भी लॉस एंजेलिस में, आज आप कैसे आ गई यार, आओ आओ अंदर चलो लस्ट भैया। अरे नहीं नहीं मैं तो दिखाने आया था मेरी ब्रांड न्यू कार, जो काफी ज्यादा लंबी है और ऊंची भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट, तो पूछो मत, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है सिंचन। अरे यार इतनी मस्त कार, गाइज आप लोग देख सकते हो ड्राइवर भैया ने तो नई गाड़ी खरीदी है, और ड्राइवर भैया पार्टी तो बनती है। नहीं 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 मैंने सारे जमीनें बेच के ये कार ली है, और उसके बाद मेरे पास कोई पैसे नहीं बचते, मैं तो बस फ्रैंकलिन को और सिंचन मतलब तुम्हें दिखाने आया था कि मैंने ब्रांड न्यू कार लिया है। फ्रैंकलिन भैया देखो आपसे कौन मिलने आया है यार। एक मिनट ड्राइवर भैया, वो भी सुबह सुबह यहाँ पर, ऐसे कैसे सिंचन, ये बोल दे कि मैं सपना देख रहा हूँ। नहीं मैं रियली में तुम दोनों से मिलने आया हूँ, और लॉस एंटोस में मुझे बहुत अर्जेंट काम था इसलिए मुझे आना पड़ा। फ्रैंकलिन भैया आपको पता है ट्रेवर भैया की न्यू कार कितनी ज्यादा मस्त है, देखो ट्रेवर भैया कार भी लेके आए हैं। नहीं नहीं हाँ हाँ वही तो मैं दिखाने आया हूँ कि मेरे पास लॉस एंटोस की सबसे ज्यादा लंबी कार है, और मैंने सोचा क्यों ना सिंचन एंड फ्रैंकलिन को दिखा दिया जाए। वेट गाइस ये कार आपकी है, आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। मैंने अपने गांव की सारी जमीनें बेच दी और ये कार ले लिया है। फ्रैंकलिन भैया हमारे पास भी तो कार है, ट्रेवर भैया हमारी कार कम थोड़ी है, हमारी गाड़ी भी बहुत अच्छी है आपकी गाड़ी से। मजाक कर दिया ना चॉप, तुम्हें नहीं पता कि मेरी कार बहुत ज्यादा लॉन्गेस्ट है और तुम्हारी कार छोटी सी फद्दी सी एक मामूली कार है, तो मेरे कार से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। आई थिंक ड्राइवर भैया आप झूठ बोल रहे हो, हमारी कार भी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और हाँ उसकी रनिंग स्पीड भी बहुत अच्छी है, और वो हाँ थोड़ी छोटी है लेकिन हाँ आपके बराबर ही है। नहीं 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 एक बार नाप के देख लो, पता चल जाएगा मेरे से वो बहुत ज़्यादा छोटी है। वेट गाइस एक बार नाप लेते हैं और देखते हैं कि ट्रेवर भाई की कार बड़ी है या मेरी कार। आई थिंक गाइस हमारी कार छोटी है, ट्रेवर भैया आपकी कार लंबी है और हमारी कार बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ी तो छोटी है। मैंने तो पहले ही बोला था कि मेरी कार जैसी कोई कार नहीं और इसके जैसा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट कार नहीं, तो क्या बोलते हो हार मान गए ना। ड्राइवर भैया तो क्या हो गया, हमारे पास भी तो कार है, कितने लोगों के पास तो कार भी नहीं होती। अरे लेकिन तुम्हारे पास घटिया कार है,
और मेरे कार का पावर देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कार ड्राइवर की है। आओ मैं दिखाता हूँ। और ये देखो कितनी ज्यादा छोटी है मेरी कार, कितनी ज्यादा लंबी है। चलो मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। गिर गए, मजा आ गया। गिर गए थे गाइस, ड्राइवर भी तो गिरे थे, मजा आ गया मुझको तो। अच्छा तुम्हें मजा आया, अभी दिखाता मेरी कार की पावर। अरे अरे वेट गाइस, ये क्या कर दिया ड्राइवर भैया आपने हमें? वेट गाइस, इन्होंने वापस ठोक दिया। रुको ड्राइवर भैया। अरे मैं तो चला गांव, मुझे फटाक से गांव निकलना होगा। उठो फ्रैंकल भैया उठो। अरे उठ जाओ यार, वो ठोक के भाग गए। हाँ सिंचन, उन्होंने तो अपनी गाड़ी से हमें उड़ा ही दिया था गाइस। लिटरली वो तो मैं बच गया। गाइस आप लोगों को बता दूं, ये ड्राइवर भैया ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। और हाँ, उन्होंने आज हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती मार दी, हमारी गाड़ी को छोटा बोला और वो अपनी गाड़ी से हमें ठोक के भाग गए। और गाइस वो रुके भी नहीं, सीधा चले भी गए। गाइस यार लिटरली मुझे ड्राइवर भैया से ना ये उम्मीद नहीं थी। और वो देखो मेरी गाड़ी की क्या हालत करी है सिंचन, ये देख हमारी गाड़ी को ऐसा ठोका किसी ने रोड पे। गाइस एक मिनट, पहले मैं देख लूं मेरी गाड़ी का कोई नुकसान हुआ भी है या नहीं। वेट पीछे देखो, हमारी गाड़ी का डिक्की टूट गया सिंचन, ये देख स्पॉइलर भी गया और डिक्की भी गया। गाइस ये दोनों चीजें ना बहुत ज्यादा महंगी आती है, अब करे तो करे क्या यार। फ्रैंकल भैया हम क्या करें? गाइस समझ नहीं आ रहा, फ्रैंकल भैया काम करते हैं, हम लोग भी लंबी गाड़ी खरीद के लाएं क्या? नहीं नहीं नहीं, इतने सारे पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ गाइस आज ट्रेवर भैया ने ना हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती मार दिया। लिटरली इतनी ज्यादा बेइज्जती तो आज तक मेरी किसी ने मारी नहीं है यार। फ्रैंकल भैया अगर बदला लेना है तो हमें उनसे भी लंबी गाड़ी लेके आनी पड़ेगी। चलो ना फ्रैंकल भैया लंबी कार लेके आते हैं। अरे यार सिंचन, हम लोग ला तो सकते हैं, लेकिन हम लोग को इतनी ज्यादा लंबी कार मिलेगी कहाँ से? और हाँ मेरे पास पैसे भी ना बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो गाइस आप लोगों को तो पता ही है इतनी ज्यादा लंबी कार के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। तो सिंचन मेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है यार। फ्रैंकल भैया आपके पास पैसे हैं, उस दिन आपने बहुत सारे पैसे अपने बैंक में डाले थे, भूल गए? गाइस यार लिटरली ये चौप का बच्चा ना मुझे हर बार देख लेता है। गाइस आप लोग चाहते हो कि मैं ट्रेवर भैया को सबक सिखाऊं और उनसे भी ज्यादा लंबी कार लेके आऊं, तो आप लोग ना फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल गाइस सिंचन भी रोने लग गया है। और हाँ आप लोग भी ना फटाफट से लाइक एंड कमेंट कर दो कि ट्रेवर भैया को सबक सिखाओ। फ्रैंकल भैया सबक सिखाना है उनको। गाइस आपको तो पता ही है उन्होंने कितना बेकार ठोका हमें और बहुत बुरा लगा मुझे यार। फ्रैंकल भैया प्लीज, फ्रैंकल भैया मेरी बात मानो, उनसे भी लंबी कार लेके आनी है मुझे। फ्रैंकल भैया क्या आप मुझे इस घर के सदस्य नहीं मानते? मानता हूँ सिंचन, लेकिन हाँ मेरी एक शर्त है, तू फटाफट से ना इस वीडियो में लाइक करवा दे, उसके बाद मैं तेरी सारे शर्तें मान लूंगा यार। अरे इतने से काम? ये तो बहुत इजी है। गाइस आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज यार मेरी बात मानो, वीडियो को लाइक करो जिससे फ्रैंकल भैया मान जाए और लॉन्गेस्ट कार लेके आ जाए। फ्रैंकल भैया देख लो वीडियो में लाइक हो गया है, चलो अब जल्दी से यार लॉन्गेस्ट कार लेके आओ। एक मिनट सिंचन, पहले मुझे देखने दे। हाँ गाइस वीडियो में लाइक तो हो गया है। लिटरली यार तूने बोला और वीडियो में लाइक भी हो गया। गाइस अब तो मुझे ड्राइवर भैया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो गाइस आप लोग आज देखते रहो, मैं लॉस सैंटोस की नहीं पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कार बनाने वाला हूँ और ड्राइवर भैया को सबक सिखाने वाला हूँ। सिंचन आजा, चलते हैं अपने सिमोन भैया के पास। और गाइस आप लोगों को तो पता ही है हमारे सिमोन भैया ना लॉस सैंटोस के सबसे बड़े कार एंड बाइक डीलर है, उनके पास हर एक टाइप की कार होती है। और गाइस आप लोगों को तो पता ही है हम उनके पास जाएंगे, उनको सारी प्रॉब्लम बताएंगे और वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे यार। फ्रैंकल भैया काश वो हमारी हेल्प कर दे। लेट्स गो गाइस, अभी यहाँ से चलते हैं। और क्या बताऊँ यार बहुत बुरा लग रहा है। और फ्रैंकल भैया टायर भैया ने तो आपको अपनी गाड़ी से ठोक के हवा में उड़ा दिया था यार। हाँ हाँ मुझे पता है। और गाइस मेरी गाड़ी का हालत देखो, सीधे हमारी गाड़ी का डिक्की, वेट डिक्की का गेट भी खुल गया। सिंचन मैंने तुझे बताया ना हमारी डिक्की टूट गई है, ये कभी भी खुल जाती है और कभी भी बंद हो जाती है। चलो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं और फटाक से चलते हैं सिमोन भैया के
शोरूम। गाइस यार अभी हम लोग सिमोन भैया के शोरूम पहुंचने वाले हैं। और फ्रैंक भैया आराम से गाड़ी को चलाओ वरना हम लोग ठुक जाएंगे कहीं भी। हाँ हाँ मुझे पता है गाइस, यार फिलहाल यहाँ से एक शॉर्टकट है, उसके बाद गाइस हम लोग जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे सिमोन भैया के शोरूम। लेकिन हाँ आगे थोड़े सीढ़ियां हैं, इनको क्रॉस करने में ना थोड़ी दिक्कत आती है। और सिंचैन चुप, तुम लोग आराम से बैठे रहना, बस ये पहुंच गए हम लोग रास्ते में। गाइस यार देखो सिमोन भैया के शोरूम हम लोग पहुंचने वाले हैं, और सच्ची में बहुत ज्यादा मजा आएगा जब हम लोग ट्रेवर भैया को चिड़ा चिड़ा के पागल कर देंगे। एंड गाइस पूरे लॉस एंजेलिस में सबसे लॉन्गेस्ट कार हमारी होगी। फ्रैंकलिन भी वो देखो बहुत लंबी गाड़ी खड़ी है। हाँ हाँ मैंने भी देख लिया। सिंचैन ये देख, ये तो सबसे ज्यादा लंबी कार है। हाय सिमोन कैसे हो यार? अरे अरे क्या बात है, आज मेरे शोरूम की लंबी गाड़ियों में बड़ा ध्यान जा रहा है। अरे यार चाहे कुछ भी हो जाए हमें लंबी कार चाहिए सिमोन अंकल। अरे मिल जाएगा, ये रही खड़ी, ये बहुत अच्छी गाड़ी है और इसका इंजन भी बहुत अच्छा है। बताओ तुम्हें लेना है क्या? हाँ लेना है, लेकिन मुझे ये लंबी कार नहीं चाहिए, मुझे पूरे लॉस एंजेलिस की और पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कार चाहिए, क्योंकि मेरे से लंबी कार किसी की होनी नहीं चाहिए, इसीलिए मेरे को इससे भी ज्यादा लंबी कार चाहिए यार। अच्छा ठीक है उसका तुम बाद में सोचना, लेकिन तुम्हें ये कार पसंद है या नहीं एक बार बैठ के चेक कर लो, और पावर तो बहुत ज्यादा है इसमें। फ्रैंकलिन कैसी बात करते हो, ये ऑलरेडी इतनी लंबी है, तुम्हें और लंबी गाड़ी क्यों चाहिए? आपको क्या बताऊं, सुबह सुबह मेरे घर ना ट्रेवर भैया आए थे, और आपको बता दूं उनकी गाड़ी इतनी ज्यादा लंबी थी नहीं, उसके बाद भी हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती मार दी। और आपको बता दूं ये वाली कार तो उनकी कार से काफी ज्यादा लंबी है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारे कार के अलावा और कोई कार लॉन्गेस्ट हो ही ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कार मेरे पास हो। और गाइस आप लोग देखो इस कार का इंटीरियर कितना ज्यादा बढ़िया है। सिंचैन तुझे कैसा लगा यार? गाइस आप लोग देख सकते हो गाड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन फ्रैंकल भैया बोल रहे हैं इससे भी ज्यादा लंबी गाड़ी होनी चाहिए। सिमोन भैया इससे लंबी कोई कार है क्या? नहीं यार ये ऑलरेडी इतनी लंबी है, मैं क्या बताऊं अब क्या करोगे इतनी लंबी गाड़ी लेके। नहीं नहीं सिमोन मुझे इससे भी ना बहुत ज्यादा लंबी कार चाहिए, जिससे लॉस एंजेलिस में मेरा नाम हो और किसी के पास भी इतनी ज्यादा लंबी कार हो ना यार। अच्छा तुम जो चाहते हो सकता है, एक आइडिया है मेरे पास, आओ अंदर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ। ठीक है अभी आते हैं। गाइस फिलहाल सिमोन हमें कुछ दिखाना चाहते हैं। वेट ये तो सेम टू सेम वैसी गाड़ियां है, तो ये कार तो वैसी है, तो इसमें क्या अलग है यार? अरे अलग तुम कर सकते हो फ्रैंकलिन, अगर तुम इन सारी गाड़ियों को मिला के ज्वाइंट करके वेल्डिंग कर दो तो तुम्हें पता है वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कार तुम बना सकते हो। अरे हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं। गाइस मैंने ये सारी कार्स ले ली और उसके बाद इन सबको वेल्ड करके और इनके इंजन का पावर एक करके, तो गाइस मेरे पास वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कार हो जाएगी। सिंचैन एंड चॉप तुम दोनों क्या बोलते हो, ले लूं क्या ये सारी कार? फ्रैंकलिन भैया बहुत अच्छा है, अंकल कोई ऑफर तो दे दो, अब तो हम सारी गाड़ियां ले रहे हैं। पर तुम तीन कार लोगे तो एक कार मेरी तरफ से। तो ठीक है आप फटाक से ना प्राइस बता दो, मैं अभी आपको देता हूँ। एक गाड़ी 30 लाख रुपए हो गए टोटल फ्रैंकलिन। ऑलराइट गाइस मैंने फिलहाल पैसे दे दिए हैं, और हाँ हमें वो सारी कार्स ना ओनली 30 लाख की पड़ी है, लिटरली मुझे तो बहुत सस्ती लग रही है सिंचैन, लेकिन ये कार तो काफी ज्यादा लंबी है। फ्रैंकलिन भैया ये कार बहुत ज्यादा लंबी है, हमारे लिए तो अच्छी है ना, क्योंकि गाइस फ्रैंकलिन भैया और मुझे और चॉप को तो लंबी कार चाहिए ताकि हम ड्राइवर भैया को चिढ़ा सके। हाँ सिंचैन ये बात तो ठीक है, लेकिन गाइस इतनी लंबी कार्स को हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, और इन सभी को एक साथ कहीं लेके जा भी नहीं सकते, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इन सभी कार्स को ना एयरपोर्ट में लेके जाएं और वहाँ पे जाके ज्वाइन करें। सिंचैन तू चल मेरे साथ, चुप तू यहाँ पे गाड़ी का रखवाली करियो, ठीक है ना? ठीक है फ्रैंकलिन भैया। गाइस यार आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत सारी जगह रहती है। फ्रैंकलिन भैया लेट्स गो, फटाफट यहाँ से चलते हैं और दिखाते हैं कि किसे कहते हैं लॉन्गेस्ट कार। ठीक बोल रहा है सिंचैन, आज तो पता चल जाएगा कि हमारे पास है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लंबी कार। फिलहाल गाइस अभी ना मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के अंदर, और हाँ आप लोग को बता दूं ये एयरपोर्ट का ना बैक साइड डोर है, और यहाँ से मैं एंट्री लेने वाला हूँ, लेकिन ये लो
अभी यहाँ पे गेट भी खोल लिया और मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट के अंदर। सिंचैन, हमें यहाँ पे जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना होगा। और गाइस, आपको तो पता ही है एयरपोर्ट में कितने सारे एरोप्लेन आते हैं, और फिलहाल मैं एयरपोर्ट में आ गया हूँ। लेकिन सिंचैन, हम कहाँ पर अपनी कार्स को लंबी कार बनाएंगे यार? फ्रैंक भैया, जहाँ पे प्लेन आता जाते ना हो वहाँ पर। सिंचैन, फिर तो मुझे ये जगह बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। गाइस, यहाँ देखो, ऑलरेडी पहले से प्लेन है, मतलब यहाँ पे कोई और प्लेन आने वाला नहीं है। तो सिंचैन, चल फटाफट जाते हैं और भी कार्स को लेके आते हैं गाइस, क्योंकि और कार होंगे उसके बाद ही तो हमारा काम स्टार्ट होगा। और वैसे भी आपको बता दूं, सिमोन का शोरूम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि कार तो यहीं पर है और हम लोग को कार लेने के लिए सिमोन के शोरूम जाना पड़ेगा यार। गाइस, बातें करते करते हम लोग सिमोन भैया के शोरूम पहुंचने भी वाले हैं। सच्ची में जब गाइस हमारी कार रोडों में चलेगी और सब लोग देखेंगे कि यार इसके अंदर कौन बैठा है और अंदर से मैं एकदम राजा की तरह बोलूंगा हा, हा, हा। और सिंचैन, थोड़ा सोच कि इतनी बड़ी कार से हम दोनों जब बाहर उतरेंगे तो पूरा लॉस एंटोस हमें देखेगा, इतनी लंबी कार है किसकी, तो सब बोलेंगे ये तो फ्रैंकलिन सिंचैन एंड चॉप की है ये कार। तो फ्रैंकलिन भैया, चॉप तो कार चला ही नहीं पाता, लेकिन यार हाँ, चॉप तो हमारे दोस्त है ना, चॉप का भी नाम बोलना पड़ेगा। फिलहाल का तभी ना, मैं वापस से आ चुका हूँ सिमोन के शोरूम। सिंचैन, फटाक से रोड पार कर ले वरने कार सुरे ठोक देंगी। ऑलराइट गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ वापस से सेकंड कार लेने के लिए। चॉप, तू यहीं पर रहेगा या हमारे साथ चलने वाला है? मैं यहीं पर रह लेता हूँ ना, क्या पता फ्रैंकलिन पे कोई आए और वो गाड़ियाँ लेकर चले जाए तो। हाँ, सही बोल रहा है सिंचैन, चल फटाक से बैठ। वेट गाइस, एक बात तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं वो कार एयरपोर्ट में खड़ी करके आया हूँ और वहाँ से कोई ले गया, फिर मैं क्या करूँगा, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा यार। फ्रैंकलिन भैया, नहीं होगा, एयरपोर्ट से चोरी नहीं हो पाती यार, बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी होते है वहाँ पर। हाँ गाइस, लेकिन क्या पता किसी ने चुरा लिया, फिर मैं क्या करूँगा। वैसे गाइस, अभी मैं वापस से आ चुका हूँ एयरपोर्ट, और आप लोगों को बता दूँ, एयरपोर्ट में मेरी एक पहले सी गाड़ी खड़ी है। और हाँ, मुझे ये भी नहीं पता वो कार किसी ने चुरा ली या वो कार वहीं पर है। फ्रैंकलिन भैया, कैसी बात करते हो, वो गाड़ी वहीं पर होगी, मैं बोल रहा हूँ ना गाइस, एयरपोर्ट से अगर कुछ भी चोरी हो गया ना, तो समझो जिसने चोरी की है वो जेल की हवा खाने वाला होता है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, मैं एयरपोर्ट के अंदर तो आ गया, लेकिन हाँ, अभी मुझे फटाक से जाना पड़ेगा। और हाँ सिंचैन, एक काम करते हैं, मैं ना अकेले चला जाऊंगा और तू अपना काम स्टार्ट कर दियो, जिससे हमारा काम जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा यार। फ्रैंकलिन भैया, वैसे हमारी कार कहाँ थी? गाइस, मुझे कार दिखी नहीं रही, कहाँ रखी थी फ्रैंकलिन भैया, चोरी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, वो ये जगह नहीं है, एक एरोप्लेन के बाद खड़ी थी गाइस, इसके और आगे। हाँ, वो जो एरोप्लेन है ना गाइस, उसके बाद। चलो एक बार जाके देखते हैं कि हमारी कार वहीं पर है। दिख गई फ्रैंकलिन भैया, वो कार तो वहीं खड़ी है। लेट्स गो गाइस, अभी इस कार को भी फ्रैंकलिन भैया इसके पीछे लगा दो, और उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर दूंगा, उसके बाद आप अपना काम करना और मैं बाकी सारा काम कर दूंगा। ठीक है, तो गाइस अभी ना मैंने एक कार के पीछे एक कार लगा दी है। और हाँ सिंचैन, अभी तू अपना काम स्टार्ट कर। और गाइस, हमें अभी बहुत सारा काम करना है, अभी इस इंजन का पावर इस इंजन में ट्रांसफर करना है और सभी वायरिंग को एक साथ अटैच करना है। सिंचैन, पहले तो वेल्डिंग कर ले और उसके बाद मैं सभी कार्स का इंजन का पावर एक में कर दूंगा यार। फ्रैंकलिन भी आप छोड़ दो, सारा काम मैं ही कर लूंगा, बस अब बाकी की कार ले आओ। ठीक है ठीक है। तो गाइस, फिलहाल आप लोग देखो सिंचैन यहाँ पे काम कर रहा है। और हाँ, अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी सभी कार का कलर चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। फ्रैंकलिन भैया, उसका भी ट्रिक है मेरे पास, मैं कर लूंगा, मैंने बोला ना, बस आप फटाफट कार ले आओ। गाइस, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, काम तो मैं सारा कर ही लूंगा। ठीक है गाइस, अभी सिंचैन को मैंने वेट, यहाँ जाने के लिए ना मेरे को एक कार दिख रही है, क्यों ना मैं ये कार चुरा लूँ और किसी को ये पता भी नहीं चलेगा। गाइस लिटरली, ये कार देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया है। सिंचैन, ये देख, मुझे एयरपोर्ट में कार मिली है और मैं इसी से चला जाऊँगा, और गाइस किसी को पता भी नहीं चलेगा। फ्रैंकलिन भैया, ये रुको मत, वरना इस गाड़ी का मालिक आ जाएगा और आपसे कार मांग लेगा, इससे पहले कि गाड़ी का मालिक आए, आप फटाफट इस गाड़ी को लेके बाहर निकल जाओ। बिल्कुल सही बोल रहा है सिंचैन। गाइस, अभी फटाक से यहाँ से निकलता हूँ, और हाँ, जल्द से जल्द
सिमोन के शोरूम पहुंचता हूं और वहां से लेके आता हूं अपनी लॉन्गेस्ट कार। और हाँ, आपको तो पता ही है कि एयरपोर्ट में मैं क्या ही कर रहा हूँ। लेट्स गो गाइज। अभी फिलहाल मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल गया हूँ और हाँ, अब मुझे आना है एक अपनी कार लेके। और हाँ, चॉप को भी लेके आ जाऊँगा गाइज, क्योंकि चॉप वहाँ पे बोर हो रहा होगा। वैसे गाइज अभी ना मैं वापस से एयरपोर्ट आ चुका हूँ और हाँ, आप लोग देख सकते हो इस बार मैं चॉप को भी लेके आ गया और अपनी गाड़ी को भी लेके आ गया। यार प्रैंगल भैया, जल्दी जल्दी चलाओ ना, मुझे देखना है सिंचन काम कर रहा है या सो रहा है। नहीं नहीं, वो देख, वो अभी भी काम कर रहा है। और गाइज आप लोग देखो, जब से ना सिंचन लगातार काम कर जा रहा है। और हाँ, आप लोग को बता दूं, एक कार ना सिमोन भैया एयरपोर्ट में छोड़ के चले गए। अभी मैं वहाँ पे गया और मैंने देखा कि वहाँ पे तो एक कार है। फिर मुझे चॉप ने बताया कि सिमोन भैया लेके गए हैं एक कार, यहाँ पे छोड़ के गए हैं। और गाइज आप लोग देखो, सिंचन ने कितना बढ़िया काम किया है। सिंचन, तूने तो इनका कलर भी चेंज कर दिया। लिटरली यार, तूने तो बहुत बढ़िया काम किया है। फ्रैंकल भैया, असली ट्विस्ट तो आपको बाद में मिलेगा जब आपको पता चलेगा मैंने क्या मॉडिफिकेशन की है। क्या सिंचन, ऐसा क्या किया है? वैसे गाइस अभी ना इस गाड़ी में बहुत सारा काम है। हाँ, अभी सभी इंजन का पावर ना मुझे एक गाड़ी में करना है और उसके बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ पूरा काम खत्म करने के बाद। ऑल राइट गाइज, अभी काम करते करते रात हो गई है और हमारी गाड़ी तैयार हो गई है। आप लोग गाड़ी देखना चाहते हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। तो ये देखो हमारी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कार। फ्रैंकल भैया, दिखा दो सबको। ये देखो गाइज, क्या कार लग रही है हमारी। हाँ गाइज, ये कार बनाने में ना शाम हो गई, लेकिन हाँ, हमने ये कार कंप्लीट कर दी है। वैसे सिंचन, तूने काम तो बहुत बढ़िया किया है। गाइज आप लोग चेक करो, सारे टायर्स को बाहर निकाल दिया है और सीधा चार टायर के ऊपर इतनी लंबी कार चलने वाली है। यार फ्रैंकल भैया, मैं आपको क्या बताऊं, क्या कार है ये। और हाँ, जब आप बैठोगे तो असली ट्विस्ट तो तब मिलेगा आपको। वेट गाइज, इसका कलर कैसे चेंज हो गया? सिंचन, तूने क्या किया है इसके ऊपर? लिटरली गाइज, इसका कलर तो बार बार चेंज होता जा रहा है। गाइज अभी ब्लू और थोड़ी देर बाद देखते हैं कौन सा कलर होता है। वेट, लिटरली सिंचन, तूने बहुत बढ़िया काम किया है यार। फ्रैंकल भैया, आखिर मैं हूँ भी तो सिंचन। गाइज मैं सारा काम बहुत बढ़िया ही करता हूँ। देखो कलर चेंज भी चेंज होते रहेगा, ब्लू, व्हाइट, रेड, ब्लैक, सब कुछ होगा यार। गाइज यार, आप लोग देखो, ये कार तो एक ट्रेन की तरह लग रही है। गाइज ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रेन का ड्राइवर हूँ और मैं ये ट्रेन चला रहा हूँ। और इसका स्पीड देखो, कितनी ज्यादा स्पीड चल रही है। सिंचन वेरी गुड यार, तूने बहुत बढ़िया काम किया है यार। बस फ्रैंकल भैया बस, मुझे इतनी तारीफ नहीं सुननी, क्योंकि गाइज वैसे भी सब लोग मेरी तारीफ करते हैं। और हाँ, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ओपी सिंचन लिख दो। और हाँ, वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। बात तो सही है गाइज, आप लोग बताओ, इतनी बड़ी छत है इस गाड़ी की, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ यार। बिल्कुल सही बोल रहा है चॉप, इस गाड़ी की ना इतनी ज्यादा लंबी छत है, क्या ही बताऊं। और हाँ गाइज एक बात और सिंचन, अभी हमारे ड्राइवर भैया को पता चलेगा कि उनसे बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा लंबी कार हमारे पास है, तो वो पक्का शौक हो जाएंगे और गाइज उनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। फ्रैंकल भैया बात तो सही है, हालत खराब नहीं होगी, उनके तो आंख चकरा जाएंगे। सिंचन बहुत हंसी आ रही है यार, सही बोल रहा है गाइज, ड्राइवर भैया ने हम तीनों को ठोका था ना, अब इस गाड़ी से हम उनकी गाड़ी को दिखा देंगे कि लॉन्गेस्ट कार क्या होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है चॉप। और गाइज ये इतनी ज्यादा लंबी है कि इसको मोड़ने में भी हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिलहाल इसको मैंने मोड़ दिया है। और हाँ, आप लोग को ये वाली गाड़ी बढ़िया लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो चलो चलते हैं ट्रेवर भैया के गाँव और उनको दिखाते हैं अपनी कार।